मैं तुसीं ते असीं सारे रोज़ ये गल्लां करदे हाँ कि पेट्रोल डीजल इन्ना महंगा हो गया, महंगाई नूं अग लग गई, किवें खर्चे पूरे होणगे वगैरह वगैरह। असीं सरकारां दे मूंह वल देखदे हाँ कि रब्बा अज कोई कह दे कि महंगाई घटा देंगे, काश अज कोई आख दे कि तेल सस्ता हो गया। याद करो वह 2021 का अक्तूबर ते चढ़िया नवंबर जदों पंजाब दे विच पेट्रोल ने 100 का अंकड़ा पार कर लिया ते लोग तरह तरह कर उठे। फिर चेते करो 7 नवंबर 2021 वाला वह दिन जिस दिन चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने 4,450 करोड़ रुपए के मालीए का नुकसान झल के वोटां तो पहला वोटरां नूं लभाउण लई लोकप्रिय कदमां दी एक लड़ी परोंदिया पेट्रोल की कीमत च 10 रुपए प्रति लीटर ते डीजल दे विच 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दित्ती। पंजाबियों के चेहरे ते माड़ी मोटी रौनक देखण नूं मिली, पर हुण तकरीबन 4 महीने बाद खबर मिली है कि पंजाब सरकार का एक कदम कईआं वास्ते रोजी रोटी खुसण का सबब बन गया। वह किवें, आओ दसदे आं। पंजाब सरकार दे पंजाबियों नूं खुश करन दे उपराले दे नाल गुआंढी सूबे हिमाचल प्रदेश पेट्रोल पंप मालकां दीआं खुशियां किधरे उड़ पुट गईआं। हिमाचल प्रदेश की सरहद दे नेड़े स्थित लगभग 60 पेट्रोल पंप पंजाब सूबे दे विच तेल दीआं कीमतां च वड्डे फर्क करके विक्री दे विच तिखी गिरावट करके बंद होण दे कंडे ते आण खलो गए ने। डीजल दे विच 5.11 रुपए प्रति लीटर का फर्क हिमाचल प्रदेश दे विच स्थित पंपां नूं छड्ड के पंजाब दे वल रोज़ाना छोटे अते वड्डे टैंकरां दी भीड़ इकट्ठी करन लई काफ़ी है। इन्हां पंपां नूं भारी वित्तीय नुकसान दा सामना करना पै रिहा है। इन्हां चों ज़्यादातर तां अगले कुछ दिनां विच बंद भी हो सकदे ने। पंप मालकां दा इल्ज़ाम है कि उन्हां इस बाबत वड्डे संबंधित अधिकारियों दे नाल गलबात कीती है, पर किसी ने भी उन्हां दी सार नहीं लई ते ना ही अधिकारियों नूं इस संबंधी कोई दिलचस्पी है। पठानकोट पेट्रोल पंप डीलरस एसोसीएशन दे प्रधान हर्ष महाजन दा कहना है कि हिमाचल प्रदेश दी सरहद दे नेड़ले 60 पेट्रोल पंप इस वेले भारी वित्तीय नुकसान दा सामना कर रहे ने। इन्हां चों ज़्यादातर अगले कुछ दिनां च बंद भी हो सकते ने। जे सूत्रां दी मन्निए तां पठानकोट दे विच डीजल दी विक्री तों वैट दी कमाई च भारी गिरावट दर्ज कीती गई है। पंजाब च स्थित पंपां तों वाहनां च सस्ता तेल पवा के यात्री ज़्यादा खुश ने। दूजे पासे सहायक आबकारी अते कर कमिश्नर पठानकोट अनीता गुलेरिया दा कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उन्हां दे अधिकार खेतर तों बाहर है, वह इस संबंधी कुछ नहीं कर सकते। पर नीलकंठ सिंह अवध टैक्सेशन कमिश्नर ने हौसला दिता है कि असीं अधिकारियों तों तफसील च रिपोर्ट लवांगे ते अजिही गतिविधि च शामिल सारे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे। हुण आउण वाले दिनां च 60 पेट्रोल पंप बंद हुंदे ने जां संबंधित अधिकारी कुछ हल कढ़दे ने इसदा जवाब तां भविख दे गर्व विच है, पर लोकां दा इस तरह सस्ते भा तेल दे रहे पंपां दे वल नूं उल्लर जाणा साफ साफ ये तस्वीर पेश करता है कि आम लोकां दा लक महंगाई ने किस कदर तोड़ दिता है ते सरकारां दा महंगाई वर्गे इन्ने वड्डे मुद्दे ते अखां मूंद लैणा फिकरां च पाउंदा है। आम बंदा फिकरां च डुब्बिया रहिंदा है ते सोचदा है कि हुण की बनेगा।